अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शादी के रिसेप्शन पे एक लड़का बुरखा पहन के आता है, दूल्हे को मुबारकबाद देता है और उसे गले मिलता है, और बाद में बुरखा उतार के दिखाता है कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। वो इसलिए ये सब करता है कि देखिए मैं कितना बड़ा मस्खरा हूँ, कॉमेडियन हूँ, शादी के मौके पे मैं इस तरह की हंसी मजाक कर रहा हूँ। अब बुरखा इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है, देखिए आजकल के लड़के पहन रहे हैं, लड़के लोग जो कि औरतों का लिबास है, औरतें पहनती है अपने आप को छुपाने के लिए, जो एक हाया वाला लिबास है, औरतों का लिबास है जो औरतें लोग पहनती है बुरखा, वो आजकल के लड़के पहन रहे हैं हंसी मजाक के लिए, मस्खरा बनने के लिए, कॉमेडी के लिए कि देखिए मैं कितना बड़ा कॉमेडियन हूँ, वायरल होने के लिए बुरखा पहना जा रहा है। पहले कान में बाली, हाथ में कड़े, फिर उसके बाद चूड़ी, क्या क्या पहनने के बाद आखिरकार लड़कों ने अब बुरखा पहनना शुरू कर दिया। ये जब मेरे पास वीडियो आई तो मुझे देखिए इतना गुस्सा आया, लोगों को हंस रहे थे कि वाह देखिए सस्पेंस में रखा, ऐसी वैसी बात कर रहे थे। एक दूसरा बंदा कहता है कि आइंदा नेक्स्ट टाइम मैं भी ये चीज़ इस्तेमाल करूँगा किसी की शादी में हंसी मजाक के लिए। बताइए अब आजकल के लड़के लोग भी बुरखा पहनने लग गए हैं, और जो हमारे भाई लोग हैं वो लोग देखिए खुश होते हैं, अरे देखिए नई कॉमेडी वीडियो आ गई, नई हंसी मजाक की वीडियो आ गई है, ये सब काम कर रहे हैं। किस किस चीज़ का रोना रोए, किस किस चीज़ का। अब 2022 में यही देखना बाकी रह गया था कि अब लड़के लोग बुरखा पहन के निकलेंगे। वीडियो पिक्चर देखते देखते आज ये सब नौबत आ गई है, सब चीज़ देखते देखते इतनी गुनाहों के बाद अब ये नौबत आ गई है। फिर हम कहते हैं हम परेशान हैं, हम तकलीफ में, क्यों? अपने काम भी तो देखिए, हरकत भी तो देखिए। बताओ मुझे तो इतनी गुस्सा आ रही है सब देख कर, सोच कर भी कि ये सब काम किया जा रहा है और लोग इसको ट्रेंड बना रहे हैं कि अब हर शादी में इस तरीके की हरकत की जाएगी कि लड़के लोग अब बुरखा पहन के आएंगे, लड़के से मिलेंगे, दूल्हे से मिलेंगे, फिर बाद में बोलेंगे अरे मैं लड़की नहीं लड़का हूँ, हंसी मजाक करेंगे। बताओ अल्लाह के वास्ते इन सब चीज़ों से तौबा करें और इन सब चीज़ों को छोड़ दे, ये सब ना करें। रोजे नमाज से दूर थे ही, गाने पिक्चर तो देखते ही थे, और अब बुरखा बचा था उसको भी ले आए गुनाहों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, हंसी मजाक के लिए। अल्लाह के वास्ते ये सब चीज़ों को बंद कर दो, खुदा के वास्ते ये सब चीज़ बंद करो, नमाज रोजे की पाबंदी करो, और बुरखे का जो इस्तेमाल है वो औरतें करें, मर्द नहीं। मर्द का काम ये नहीं है कि वो बुरखा पहन के हंसी मजाक करे, कॉमेडी करे, मस्खरा बने। मुझे देख के तो बहुत गुस्सा आ रहा है अभी भी कि ये 2022 में देखो अब ये सब शुरू हो गया है। अगर आपने ये वीडियो देखी है जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अभी शेयर करके अपने स्टेटस पे लगाइए, और जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं हमारे भाई लोग, उन लोगों को कहिए कि वो तौबा करें, इन सब चीज़ों से बाहर निकले। और ऐसी जो भी वीडियो अगर आपके पास कोई आए तो मुझे ज़रूर बताना, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, इंशाल्लाह मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।